इंचार्ज नरेंद्र खटाना ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली पांसरा फाटक के पास तीन आरोपी घूम रहे हैं। सूचना के आधार पर सब इंस्पेक्टर प्रमोद वालिया ने राम कुमार रणधीर विमल हरदयाल की टीम का गठन किया गया। टीम ने मौके पर जाकर तेली माजरा निवासी मनजोत, कुरुक्षेत्र के खरकाली निवासी हरप्रीत व झिवरेड़ी निवासी जसकरण को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। उसमें वीडियो वायरल हुई थी जो उसमें हमने मुख्य आरोपी आज गिरफ्तार कल गिरफ्तार कर लिए हैं मुख्य आरोपियों को। और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उन्होंने बताया है कि हमारा जो अमित कुमार और विक्रम और सन्नी, अमित मंजेट्टो और विक्रम और सन्नी ये सलेमपुर के हैं, इनको पैसों को लेकर कोई विवाद था। उन्होंने कई बार इनकी फील्डिंग लगाई थी जो ये हर बार फील्डिंग से बच जाते थे। जो इन्होंने पता किया कि अमित कुमार अपनी लड़की को बेटी को लेने के लिए सेंट थॉमस स्कूल में आता है, इन्होंने उसकी प्रॉपर फील्डिंग लगा के पूरा उसका डाटा ले लिया और उन्होंने अपनी टीम तैयार करके 29 तारीख को सेंट थॉमस स्कूल जाके उसको पकड़ लिया और लोहे के फाइबर हथौड़ों से और अन्य औजारों से उसको मारा। इसमें हमने सबसे बड़ा तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मंजोत के पास से असलाह बरामद हुआ जो इसमें आर्म्स एक्ट की धारा याद कर दी हमने और आज कोर्ट में पेश करके रिमांड लेंगे। इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है अभी और भी जो इन्वेस्टिगेशन में आएगा उसके हिसाब से करेंगे। इसमें हमने जसकरण को किया, मंजोत को और हरदीप और सन्नी वासी खरकाड़ी कुरुक्षेत्र।